जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपए के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी टू व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो ईएमआई और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स अपोजिट एसटी बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस ऑफ सभी का स्वागत है। भिवंडी की राजनीति दिन पे दिन तेज होती जा रही है। चुनावी मैदान में जो दंगल शुरू है, तो ये दिन पे दिन जो है एक नया रुख ले रहा है, एक नया चैप्टर जो है हर रोज यहाँ पे लिखा जा रहा है। हम भिवंडी वेस्ट की बात कर रहे हैं कि भिवंडी वेस्ट में आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो है अपना समर्थन अपक्ष उम्मीदवार विलास पाटिल को दिया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान किया है, अपना समर्थन दिया है और बहुत सारी बातें उनसे हमने की और ये बताया है कि मुसलमानों के वोट नहीं बटने चाहिए, अगर वोट बटेंगे वोट कटेंगे तो कोई एक ऐसा नुमाइंदा चुनकर आएगा जिसकी जो है मुसलमानों को तकलीफ दे सकता है। मतलब जिस तरह से लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है मुसलमानों को तकलीफ देती है, तो उलमाओं का ये कहना है कि अगर बीजेपी को हराना है तो यहाँ पर एक मुसलमान नुमाइंदा अगर नहीं जीत सकता तो किसी ऐसे का हाथ मजबूत कीजिए जो कि इतना सक्षम हो कि वो बीजेपी को हरा सके, और इसीलिए जो है उन्होंने विलास पाटिल को अपना समर्थन दिया है। अब इस समर्थन में जो है उन्होंने कई सारी बातें की, सबसे अहम बात उन्होंने ये बताई कि जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो जीत नहीं सकते, जो मुस्लिम लीडर है वो जीत नहीं सकते, इसीलिए जो है हम विलास पाटिल को समर्थन दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमने विलास पाटिल से ये आश्वासन दिया है कि जब वो अगर जीत के आएंगे तो मुसलमानों की आवाज़ असेंबली में उठाएंगे और एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। ऐसे कई सारे आश्वासन उन्होंने, कई सारी गारंटियाँ जो है उन्होंने विलास पाटिल से ली है, उसके बाद जो है उन्होंने ये लिखित तौर पर उनको अपना समर्थन दिया। भिवंडी शहर में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान के साथ मौजूद हैं। मेरा नाम बुनई हासनी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का नेशनल जनरल सेक्रेटरी। हमारे साथ हजरत मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ, जिसे आप जानते होंगे, डॉक्टर अब्दुल कादिर सैयद साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये हजरत मौलाना साबित अली नक्शबंदी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं। हजरत मौलाना अंसारुल हक कासमी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट हैं। हजरत मौलाना अखलाक निज़ामी साहब, जो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुंबई के जनरल सेक्रेटरी हैं। और तमाम दोस्त अहबाब हम यहाँ जमा हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र 24 का असेंबली इंतखाब की गहमा गहमी है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की कोशिश है कि हमारे समाज का वोट ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग हो। आम तौर पे पोलिंग फ़ीसदी हमारे समाज में बहुत कम होता है, तो सबसे पहले हम आप हजरात के ज़रिए हम मतदाता वोटर से अपील करते हैं कि जम्हूरियत को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र रियासत को खुशहाल बनाने के लिए आप वोट ज़रूर करें। दूसरा यह है कि महाराष्ट्र असेंबली में हम चाहते हैं कि अच्छे लोग चुन के जाएं, जिसके लिए हम लोग जायज़ा कमेटी बनाया है मुख्तलिफ शहर में मुख्तलिफ जगह। उस जायज़ा कमेटी के रिपोर्ट पे हम फैसला करते हैं कि किस प्रत्याशी को हमें सपोर्ट करना है। हमारी जायज़ा कमेटी ने ये रिपोर्ट दिया, महाराष्ट्र के इस चुनाव में भिवंडी पश्चिम से मोहतरम विलास पाटिल साहब, जो इत्तेफाक से आज़ाद उम्मीदवार है, उनका चुनाव निशान दूरदर्शन टीवी है, उनका समाज में अच्छा सभी है, अच्छा उनका किरदार है और समाज से रब्त जब्त उनका अच्छा खासा है। वो ये सीट फाइट करेंगे और उन्हें हम वोट दिलाने में कामयाब हुए तो इंशाल्लाह मोहतरम विलास पाटिल साहब ये सीट जीतेंगे। इसलिए हम तमाम मतदाता से, हमारे बिरादरान वतन हिंदू हो,
मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, जो भी है, ख्वातीन हो, मर्द हो, नौजवान हो, जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप अपना कीमती वोट मोहतरम विलास पाटिल को देकर भारी अक्सरियत से जिताए, ताकि आपके शहर की खुशहाली के लिए, आपके शहर में एजुकेशन के लिए, आपके शहर में हेल्थ के लिए सही काम कर सकें। इसी पैगाम देने के लिए भिवंडी में हमारी टीम आई है। किन मुद्दों पर आपने समर्थन दिया है? हमने उन्हें समर्थन दिया है कि आप जीतेंगे तो आप स्कूल की सहूलत मुहैया करेंगे, हॉस्पिटल की सहूलत मुहैया करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो है, धर्म का भेदभाव नहीं करेंगे, आप सभी धर्म जाति को साथ लेकर चलेंगे। ये सब मुद्दे हैं, अमन, तहफ्फुज, सिक्योरिटी, खुशहाली, ये सब मुद्दे को हमने शामिल करके उन्हें हम सपोर्ट देने का ऐलान कर रहे हैं। आपने जो समर्थन दिया है तो इसमें आपने जो मुद्दे बताए तो इसमें विलास पाटिल ने क्या, विलास पाटिल साहब ने क्या आश्वासन दिया? विलास पाटिल से हमारी मुलाकात हुई थी, विलास पाटिल से इन मुद्दे पे चर्चा हुआ, उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र के, अपने शहर की खुशहाली के लिए और जो आप बता रहे हैं इन तमाम मुद्दे पे हम काम करेंगे, यह हमारा वादा है। आपकी बातों पे एक मुसलमान किस कैसे भरोसा करे? मतलब एक आपने जो इस तरह से जो बताया है तो क्या आदमी जो है कि कैसे भरोसा करेगा वो आपके ऊपर? एक मुसलमान, एक भारतीय शहरी होने के नाते हमारी कोशिश है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुस्लिम समाज से मरबूत है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मुस्लिम समाज की खुशहाली के लिए कोशिश करता है। तो हम मुसलमानों के बीच रहते हैं, हमारे मुसलमान ही नुमाइंदे होते हैं, हमारे लोग मुसलमानों के बीच जाएंगे और उन्हें ये कन्विंस करेंगे कि ये विलास पाटिल जीतेगा तो हमारे समाज के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए काम करेगा। विलास पाटिल जी क्यों, और भी मुस्लिम नुमाइंदे खड़े हैं जैसे कि MIM से वारिस पठान है, फिर बाद में रियाज आजमी है समाजवादी पार्टी से, तो ये भी तो मुस्लिम नुमाइंदे हैं, तो इनको छोड़ के आप विलास पाटिल को ही क्यों आपने समर्थन दिया? जी बहुत अच्छी बात कही आप मोहतरम। हमारा पहला मकसद है अमन शांति, और अमन शांति के लिए असेंबली में अमन शांति वाला आदमी ज्यादा से ज्यादा जाए। उसमें हमारी कोशिश होती है कि मुसलमान जाए, लेकिन जहां मुसलमान वो सीट नहीं निकाल सकता तो हमारे बिरादरत वतन में वो आदमी जो अमन शांति के लिए सारे समाज को लेकर काम करने वाला होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, उसकी हम मदद करते हैं। यहां मुसलमान हैं, मुस्लिम वोट बट रहे हैं, यहां वही आदमी जीतेगा जिसे मुस्लिम वोट भी चाहिए, हिंदू वोट भी चाहिए। विलास पाटिल हिंदू वोट लेंगे ये आप जानते हैं, तमाम नहीं लेंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे, और हम मुस्लिम उसमें पुश कर देंगे, मुस्लिम वोट बढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह वो जीतेगा। इसलिए हम यहाँ पे मुस्लिम उम्मीदवार छोड़ के हम विलास पाटिल को मुंतखब किया है कि उनके जीतने का इम्कान है। मुसलमानों के यहाँ एक उम्मीदवार ने जैसा अभी आपने बताया उसमें मुसलमानों के वोट बट रहे हैं, तो मुसलमान नहीं निकलेगा और हिंदू भी वो निकलेगा जो आमतौर पर तफरका करता है, नफरत फैलाता है, तो हम उस उम्मीदवार को जो तफरका फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए जाता है उसको रोकने के लिए विलास पाटिल को हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू।